हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि आपको एक पीपीसी का एक सेंट्रल आइडिया दे सकें कि पीपीसी होता क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पीपीसी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और पीपीसी किन किन चीज़ों से हो सकता है। इसके बाद एड कॉपी क्या होता है, इस एड कॉपी में हम आपको बाकायदा एक ऐड बनाकर दिखाएंगे भी और ऐड में किन किन चीज़ों पर हम ध्यान देते हैं वो सब चीज़ों का हम आपको बताया जाएगा। इसके बाद आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है और इसकी बकायदा हम आपको एक एग्जांपल भी दिखाएंगे, दो से तीन एग्जांपल करके दिखाएंगे भी। इसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पीपीसी। इन चार चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करें। इस दौरान एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर एंड तक वीडियो आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई एक चीज़ समझ ना आए। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है आप कमेंट में कर सकते हैं, अगर या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा लगता है कि गलत है तो आप उसे भी ये रेक्टिफाई करने के लिए कमेंट में हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को ठीक कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले पीपीसी होता क्या है। पीपीसी की फुल फॉर्म होती है पे पर क्लिक। पे पर क्लिक के लफ्ज ही मैंने देखे तो क्लिक करने पे पे किया जाए, यानी अर्निंग की जाए, पे किया जाए मतलब पैसे दिए जाएं। अब होता कैसे है ये चीज़ कि अगर मेरा एक बिज़नेस है जिसका नाम है बिज़नेस ए, अब बिज़नेस ए जो है वो सेल करता है किड्स गारमेंट, अब किड्स गारमेंट सेल करने के लिए उसका बिज़नेस जो है वो है लोकेशन कराची। तो अब वो क्या करेगा कि ऐड जब लगाएगा, यानी अब वो उसकी ऐड ऐसी होगी कि जो जो सर्च करे ऑडियंस बेस्ट किड्स गारमेंट्स इन कराची या ऐसी वेबसाइट जहाँ जहाँ गारमेंट्स के लिए लोग जाएं विजिट, उन वेबसाइट्स पे ऐड लगाएगा अपनी। अब वो ऐड होगी क्या, एक ऐड ये हो, ये भी हो सकती है कि उसकी अपनी हो गई बिजनेस ए किड गारमेंट सेल 20% ऑफ। तो अब इस सेल को उस तरीके का एक पोस्टर टाइप ऐड लगाएगा, उससे होगा क्या कि जब भी, फिर उसके पीछे वो एक स्ट्रेटजी ये होगी कि जो जो जब जब उस पर क्लिक किया जाएगा तो क्लिक के बदले दिया जाएगा $3 गूगल को, क्योंकि गूगल जो है वो आपको ऑडियंस जो है वो आप पर ला के दे रहा है, एड्स दिखा रहा है दूसरी वेबसाइट पे आपकी। अब इसमें ये नहीं है ज़रूरी कि जो आप क्लिक करे वो आपकी वेबसाइट पे आके बाय भी करे गारमेंट्स, लेकिन क्लिक हो गया अब आपको $3 देना पड़ेगा गूगल को। अब हेल्दी पीपीसी क्या होती है कि अगर आपने $3 खर्च किए हैं एक क्लिक पे, तो आप उस क्लिक से एक $300 की सेल भी करें, $1 की सेल हो तो ये हेल्दी एक्टिविटी होगा, हेल्दी पीपीसी। इस चीज़ का एक सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा कि ऐड लगानी है, उस ऐड के बदले पैसे के देने के गूगल भाई तुम मेरी एड्स जो है वो इन इन लोगों को दिखाया करो, ताकि ये मेरी वेबसाइट पर आए और मोस्ट प्रोबेबली मेरे प्रोडक्ट्स देख के वो जो है बाय भी कर लें। ये हो गया पीपीसी। यहाँ तक क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा टॉपिक है वो है एड कॉपी। अब एड कॉपी में होता क्या क्या है। एड कॉपी में सबसे पहले आते हैं हेडिंग, नेक्स्ट का एक है बॉडी टेक्स्ट, थर्ड होता है इसका डिस्प्ले यूआरएल। इसको मैं थ्योरी के बजाय प्रैक्टिकल की तरफ लेके जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर गूगल में खोल लेता हूँ और यहाँ मैंने एक ऐड अकाउंट खोल लिया। अब सबसे पहले ये होगा कि बिज़नेस हमें करना क्या है, हमें सिर्फ वो लानी है। अगर देखो हमारा कॉल सेंटर एजेंट कॉल सेंटर है,
या फिर कंसल्टेशन है या हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर हमें कॉल ज़्यादा चाहिए होती है। अगर हमारा बिजनेस इस तरीके का है तो हम यहाँ पर गेट मोर कॉल पे करेंगे। अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि जिसमें हम सेल तो कर रहे हैं साथ साथ साइनस भी करवाने हैं, यानी हमें डेटा भी चाहिए उनका, तो खाली सेल के साथ साथ डेटा भी चाहिए, हमने फॉर्म्स भी रखे हैं वो भी उनसे फिल करवाने हैं, तो हम करते हैं गेट मोर क्लिक्स पे। अगर हमें फिजिकल लोकेशन पे हमें डालनी है एड्स ताकि लोगों को हमारी लोकेशन नज़र आए, तो वहाँ पे एड्रेस वगैरह पे पहुँच सके, तो इसके लिए हम करेंगे गेट मोर से। फिर वक्त हम कर रहे हैं सेल्स के लिए, क्योंकि बिजनेस ये जो है वो है गारमेंट सेल करता। यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ तक ये यूज़ क्रिएट रिचेज, हमारा बिजनेस नेम है, हम लोग ने रखा बिजनेस ए। वेबसाइट क्या है इसकी, फॉर सपोज www.businessa.com। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। अब ये हमसे पूछा है वेयर आर योर कस्टमर। यहाँ पर हमें जो है हमारी टारगेट ऑडियंस पहले से मालूम होनी चाहिए। मैंने पिछली एड लगाई थी तो यहाँ पे शाह फैसल टाउन का आ रहा है, तो मैं शाह फैसल टाउन में तो नहीं कर रहा, मैं इसको शुरू करके दिखा रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस कराची में है, तो कराची के ही लोगों को मुझे दिखाना है, तो मैंने कराची सेंड कर लिया। अब इसमें अगर आप देख रहे हैं तो कराची में और भी आ रहे हैं जो हमें कोरंगी अगर क्लिफ्टन करना है। अगर मेरा हाई रेटेड जो है प्राइस होंगी तो जाहिर सी बात है मैं क्लिफ्टन या डिफेंस इस तरीके के एरियाज़ को मैं करूँगा। अगर मेरा बिजनेस होगा कि थोड़ा लो एरिया का, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन एरियाज़ में भी करूँ जहाँ पे मिडिल क्लास जो है हमारी ऑडियंस होती है। तो फिलहाल तो मैंने सिर्फ पूरे कराची में किया है मेरा ऑडियंस, क्योंकि मैंने अपने ब्रॉड ऑडियंस रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं नीचे, हमने कर दिया नेक्स्ट। अब ये पूरा कराची को सिलेक्ट हुआ, ये देख सकते हैं आप लोग। अब मुझे अपना बिजनेस इंग्लिश और लैंग्वेजेस यही रहेगी, बिजनेस कैटेगरी हमें बतानी है कि क्या कर रहा हूँ मैं, तो ये मैं करूँगा बिजनेस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल ऑडियंस साइज, किस इस तरह की ऑडियंस जो है सर्च करती है 26,606 पर मंथ, ये एस्टिमेट होता है। ज़रूर ये वेरी भी कर सकते हैं नंबर्स, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, याद रखिएगा। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं प्रोमो, इसमें हमें अपने बेस्ट जो है हम लोग को लिखते हैं, इसमें हम वो वर्ड्स लिखेंगे कि जिस तरीके ताकि लोग सर्च भी कर सकें। किड्स गारमेंट्स, बेबी गारमेंट्स, बाबा गारमेंट्स, किड्स वेयर, न्यू बॉम, इतना मैं रखा, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब ये हो गई हेडलाइन वन, जो हमने बात की थी हेडलाइन वन जो होती है हमारे पास यहाँ पर आएगी। हेडलाइन वन मैंने लिखी 20% ऑफ किड्स वेयर। हेडलाइन टू आ गई मेरी कराची, बेस्ट है मेरे ख्याल से, इतना बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ रही है business.com। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे ला रहा हूँ डमी डिस्क्रिप्शन, वी डील इन बेस्ट किड्स वेयर इन टाउन। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ मैं कराची की जगह, इसको मैं करता हूँ 1 मिनट, 20% ऑफ न्यू अराइवल, कराची की जगह मैंने कर लिया किड्स वेयर। ये बन गई आपकी ज़बरदस्त एड, और इसमें स्वेयर 2020 की जगह यहाँ पे मैंने कराची कर लिया। अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है कि 20% ऑफ न्यू अराइवल, देखने में भी क्या दिल करेगा बनते हैं सर्च करने पे, इस पर क्लिक करने पे। अब डिस्क्रिप्शन वी डिड इन ऑल काइंड्स ऑफ बिजनेस इन टाउन लेटेस्ट, लेटेस्ट डिजाइन अवेलेबल, ये हमने कर लिया डिस्क्रिप्शन टू।
यहाँ पे लिखेंगे लिमिटेड टाइम डिस्काउंट अमाउंट, और साथ में मैंने लिख दिया कि जिसके लिमिटेड टाइम डिस्काउंट और गारमेंट्स एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ डमी वगैरह कर रहा हूँ। अब जब हमने बात की थी, इसको मैंने यहाँ तक रहने दिया है। अब मैं कह रहा हूँ, ये तो हमने तीन चीज़ें, हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट, डिस्प्ले यूआरएल। हेडिंग क्या थी हमारी, वो यहाँ पर आ गई, हेडिंग वन, हेडिंग टू, ठीक है, हेडिंग थ्री। फिर हमने बात की है बॉडी टेक्स्ट, तो ये आ गया हमारा बॉडी टेक्स्ट, वीडियोज ऑन कैंसिलेशन डिस्क्रिप्शन टू एक्सेट्रा, इसे कहेंगे हम बॉडी टेक्स्ट। इसके बाद आता है हमारा डिस्प्ले यूआरएल, ये होती है हमारी डिस्प्ले यूआरएल, जहाँ पे अगर कोई बंदा क्लिक करे तो वहाँ पे जाएगा। इसे हम लैंडिंग पेज भी कहेंगे, उस वेबसाइट का पेज जहाँ हम लैंड करवा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं वेबसाइट, जाहिर सी बात है डमी वेबसाइट है, इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, आप इसको, मैंने इसको कर लिया www.99sourcing.com, ये चेंज हो गई इन सोर्सिंग। अब ये आ गया हमारे पास बजट। अब ये रिकमेंड जो मेरे लिए कर रहा है 1800 रुपये वाला कर रहा है, जिसमें मुझे इतना मतलब पे करना पड़ेगा। अब मुझे देखे पे करना है, यहाँ पे बताया बजट वर्क्स भी कैसे करता है। यू ओनली पे फॉर एड क्लिक्स और कॉल टू योर बिजनेस, यानी पे पर क्लिक, जब जब क्लिक करेगा वहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, ये सब है। या फिर अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटर्न योर ओन बजट, मैं चाह रहा हूँ मंथली 1800 के बजाय, कराची पूरा कराची कवर करना है, लेकिन मेरा बजट कम है, मैं कह रहा हूँ मंथली 500। अब यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि इतना जो बजट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 1200 से लेके तकरीबन 3500 तक का बजट जो है, मेरे कॉम्पिटिटर्स जो इस तरीके के बिजनेस जो हैं वो कर रहे हैं वैसे भी, तो यहाँ मैंने इसको सेट कर दिया। ये मेरा बजट हो गया पूरा टोटल, ये डेली एवरेज था, मंथली मेरा इतना बढ़ रहा है, मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस ज़्यादा है, पूरा कराची कवर कर रहा हूँ इसलिए। अब मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट, ये मेरी एड कुछ इस तरीके से दिखेगी, देख रहे हैं, ये पूरी समराइज आ गई मेरी, समरी डेली के 3600, मंथली मैक्सिमम इतने। मैंने अगर देख लिया सब चीज़ें ठीक है तो मैं नेक्स्ट करूँगा। अब वो यहाँ पे मुझे अकाउंट डिटेल करनी है अपनी, लेकिन वो तो जाहिर सी बात है मैं आपको नहीं कहा, क्योंकि मैं खाली सिर्फ दिखाने के लिए आपको चाह रहा था कि किस तरीके से ऐड जो है हम बनाते हैं। तो यहाँ पर आपने देख ली इस तरीके की हमारी ऐड दिखेगी, और वैसे ये होती कैसे है असल में दिखने में, अगर मैं करूँ तो यहाँ पे ये देखते हैं हम, सेल इन कराची मैंने लिखा है, इसकी जगह मैं कर देता हूँ एडवर्टाइजमेंट कंपनी नेम, इसको न्यू टैब में खोलते हैं, कंपनी नेम। तो यहाँ पे तो कोई एडवर्टाइज नहीं आ रही, मैं खाली लिखता हूँ एडवर्टाइजमेंट कंपनी, तो ये देखें आई है, ये तो गूगल की अपनी ऐड है, अगर आप, क्योंकि उसने वो एडवर्टाइजमेंट जो कीवर्ड हमने लिखा था इससे ही अपनी ऐड को सर्च के दिखाएगा, हम शायद इसके लिए सर्च कर रहे हो। दूसरा आता है डायमेंशन मार्केट, ये देखिए ये ऐड आ रही है, इसी तरीके की ऐड थी हमारी भी तकरीबन, ऐड सेम चीज़ है जिसने ऐड लगाई है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे ऐड पे, तो ये पेज इसका खुला है, देख हो रहा है, इसे कहेंगे हम लैंडिंग पेज। जो यहाँ पे नेक्स्ट बात हो रही थी, क्लिक करके जहाँ पर आप अपने कस्टमर को रिडायरेक्ट करते हैं, एड्स क्लिक रिडायरेक्ट ऑन पेज
is called landing page. ये हो गया लैंडिंग पेज। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। सब पीपीसी क्या होता है, एड कॉपी क्या होता है, हेडिंग बॉडी टेक्स्ट डिस्प्ले क्या होता है, इसका क्या होता है लैंडिंग पेज, ये इसका लैंडिंग पेज है। ये ऐड हमने देखी सर्च इंजन यानी गूगल पे। ये है फेसबुक की ऐड। फेसबुक की ऐड कैसे बनाते हैं वो मैं इस चीज़ में नहीं सिखा रहा इसको, क्योंकि मैंने एक अलग से बिल्कुल कोर्स रखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। यहाँ पे अब हम इसने ऐड लगाई हुई है, ये स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब ये ऐड है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये चैपन, ये है इसका लैंडिंग पेज, ये है एड, ये इसका लैंडिंग पेज यानी इसकी वेबसाइट जहाँ ये अपार्टमेंट्स वगैरह बेच रहे हैं। और ये पेज इन्होंने रखा हुआ लैंडिंग के लिए। तो ये लैंडिंग पेज भी समझ आ गया। अब हम बात करते हैं ये सब के बाद लास्ट चीज़, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पीपीसी। देखें एडवांटेजेस इसके ये हैं कि आपको अपने घर बैठे ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये सब लोग जो हमने बताया है कि हमारी इतनी ऑडियंस है, ये ऑडियंस है, इसको गूगल खुद ढूंढेगा, यानी आपकी टारगेट ऑडियंस को खुद ये एक जगह जमा करके उन्हें ये ऐड खुद से दिखा रहा है। कस्टमाइजेबल है कि हम इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, यहाँ पर एडवांटेजेस से हम शुरू करते हैं। पहला एडवांटेज इसका क्या है, टारगेटेड टारगेट मार्केट। आपने इसे बता दिया कि हमें किन किस एरिया में दिखाना है, क्या वगैरह सब चीज़ें होंगी, तो उसने उस टारगेट मार्केट को दिखाना शुरू कर दिया। सेकंड इसका आता है कस्टमाइजेबल। आप अपनी ऐड को कस्टमाइज कर सकते हैं कि भाई मैं अपने हिसाब से बजट रखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाह रहा जो गूगल दे रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि अगर गूगल कह रहा है तो 500 रुपये लगेंगे तो मैं आपके 300 चाह रहा हूँ। तो कस्टमाइजेबल है, ये नहीं है कि मुझे मना करेगा गूगल, हो सकता है कि उसमें फिर नंबर्स में चेंजिंग कम नंबर्स को दिखाएगा, लेकिन कस्टमाइजेबल है ऐड आपकी पीपीसी। इसके बाद ट्रैकिंग, ट्रैकिंग भी होती है आपकी ऐड में कि कितने लोगों को ऐड आपकी दिख रही है, कितने लोगों ने क्लिक किया, ये सब आपको इनसाइट्स वगैरह जो है दिखाई देंगे, आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि 2 दिन में मेरे वो रिजल्ट नहीं आए ऐड पर, तो आप उस ऐड को रिस्टॉप कर सकते हैं कि भाई कम लोगों को दिख रहा है, अब मैं न्यू ऐड बनाना चाह रहा हूँ या इसको ऐड को एडिट करना चाह रहा हूँ। पीपीसी का ये है कि लोकल या इंटरनेशनल दोनों मार्केट को आप जो है, दोनों तरह के लोगों को आप जो है अपनी ऐड सिखा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ पीपीसी पर। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला है नेगेटिव क्लिक। ये बहुत ही आपके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो इसको बहुत ही यूज़ करते हैं। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स कहेंगे, अगर मेरे ही साथ में एक और बंदा है जिसका बिजनेस है किड्स गारमेंट्स का, वो क्या करेगा कि मेरी जो एड्स होंगी ना उस पर बिला वजह क्लिक करता रहेगा। उस बिला वजह क्लिक के चक्कर में मुझे तो यानी बिजनेस ए को तो पे करना पड़ेगा गूगल को, लेकिन जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो जाहिर सी बात है आके कुछ खरीद तो रहा नहीं है मेरी वेबसाइट से, तो मेरे लिए लॉस जा रहा है कि मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं लेकिन मेरी सेल तो हो नहीं रही उस वजह से। तो इस नेगेटिव क्लिक की वजह से कॉम्पिटिटर्स ही आपके लिए स्ट्रेटेजी बहुत यूज़ करते हैं कि फेक क्लिक जो है आपके उस पर एड्स पे किए जाते हैं। सेकंड आता है कि बाकायदा पीपीसी के लिए आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, हर बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए बाकायदा पूरी एनालिसिस होती है, इसके लिए बाकायदा पीपीसी एक्सपर्ट जो होते हैं एड एक्सपर्ट उनको हायर करा जाता है, क्योंकि इस पर पूरी कॉस्टिंग वगैरह देखनी पड़ती है। आपको तो जो गूगल कहेगा आप उसे कह दो कि हाँ भाई चलो इतने पैसे नहीं लगा दो, लेकिन नहीं, एक एक्सपर्ट जो होता है वो हर चीज़ देखता है, किन कीवर्ड्स पे मुझे कितनी रेंज ऑफ ऑडियंस जो है मिल रही है, और ज़्यादा कम खर्चा मुझे कहाँ पड़ रहा है, किन कीवर्ड्स जो है हाई रेटेड ट्रैफिक होते हैं, ये सब चीज़ें एक एक्सपर्ट का काम होता है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। और बस और कुछ खास नहीं है, क्या है कि डेटा है, अब आप डेटा इलीगली कर रहे हैं लेकिन डेटा इलीगल तौर पे आप जो है साइनअप्स करवा रहे हैं, उनका डेटा यूज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अब आप डेटा मिलता है तो आप उससे ईमेल मार्केटिंग वगैरह भी करते रहते हैं, साइनअप्स वगैरह, तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, लेकिन किसी का भी डेटा स्टोर करना इलीगल है तो इसके लिए करना। तो आज हमने ये सब को थोड़ा, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर कुछ भी ऐसी बात है जो समझ में ना आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।